हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फुल फेस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम नेक एरिया से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से अपने फेस को डाउन करना है, जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, और हमें कुछ देर तक इसे इसी तरह होल्ड करना है। आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे तो आपको एक खिंचाव महसूस होगा अपने नेक एरिया पर। अब हम दूसरी तरफ भी सेम यही रूटीन फॉलो करेंगे, और यहाँ पर आप ना काउंट कर सकते हैं या टाइम देख सकते हैं। तो इस तरह से आप 15-20 काउंट कीजिए और अपना जो फेस है उसे इस तरह से होल्ड करके रखिए। यहाँ पर हमने अपने हाथ को यहाँ रखा हुआ है अपने हेड पे, ताकि अच्छा खासा सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो नेक एरिया के जो मसल्स है, जो वहाँ फैट होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको रिंकल्स हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ना अच्छा खासा खिंचाव महसूस होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने जो लाइन पे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें हल्का हल्का पिंच करना है। तो इस तरह से यहाँ पर हम पिंच करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर जब मोटापा बढ़ता है तो यहाँ का जो हमारा होता है ना नेक के पास जो लाइन होता है, वहाँ पर भी फैट बढ़ने लगता है, और हमारी जो फेस की जो स्किन है, जो हमारे चिक है, वो नीचे की तरफ लटकने लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पिंच करेंगे हल्के हल्के हाथों से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पूरे फेस के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ना अपने आईज को एकदम ना क्लोज करना, मतलब पूरे फेस को आपको ना एकदम से क्लोज करना है। उसके बाद धीरे 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 फिर वापस आपको खोलना। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे लिप, मेरी जो आईज है, फेस है, उसको एकदम से ना कस के से, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो इस तरह से हम ओपन क्लोज करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, हमारी पूरी फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से काम करने लगता है, और आपको ना इंस्टेंट फ्रेशनेस दिखेगा। आपका जो फेस है ना, वो इंस्टेंट आपको फ्रेश दिखने लगेगा। इसे भी आप 8-10 टाइम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्लोज करना है, फिर ओपन करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, हमारे जो लिप के साइड में ऐसे एक लाइन क्रिएट हो जाता है, तो उसके लिए अपने जो टंग है उसको, जैसे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से आपको अप डाउन करेंगे। ऐसे करेंगे ना तो आपकी चीक पे ना वो प्रेशर महसूस होगा। वीडियो में नहीं समझ आ रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको वो महसूस होगा। आपको हल्का पेन होने लगेगा। नीचे की तरफ आपकी चिन जो टुड्डी है ना, उधर भी आपको हल्का सा पेन होगा। तो आपने अक्सर देखा होगा नीचे जो टुड्डी की तरफ भी हमारे जो फैट है ना, वो बढ़ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं चिन एरिया के। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी नीचे की जो मसल्स हैं वो भी काम करना शुरू करेगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो हमारे आइज़ के। जब हम स्माइल करते हैं या कभी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे आंखों के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर रिंकल्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो स्किन होती है ना वो लूज रहती है। इस वजह से जब हम स्माइल करते हैं तो वहाँ रिंकल्स आते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक्सरसाइज करेंगे अपने फेस को, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर अपने दोनों फिंगर को सपोर्ट के लिए बस यहाँ पर रखी हुई हूँ, और जो अपनी आई है उसको क्लोज ओपन करना। ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ के जितने भी मसल हैं आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, वो एक्टिव हो गए हैं। तो ऐसे करने से हमारे जो स्किन है वो टाइट हो जाते हैं, तो रिंकल्स आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने आँखों के लिए। अक्सर देखा होगा ना कि आँख के कॉर्नर पे तो रिंकल्स आते ही हैं, प्लस हमारी जो आईब्रो है, जो थ्रेड है, वो नीचे की तरफ आने लगती है। तो उसको हमें टाइट करने के लिए, मतलब अपनी आँख के जो ऊपर के जितनी भी स्किन है उसे टाइट करने के लिए, इस तरह से आपको फिंगर को रख लेना है। सिर्फ आपको रखना है, ऊपर प्रेशर नहीं देना है, और आईज को ओपन क्लोज करेंगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो इस तरह से आपको स्माइल करना है, और अपने चिक पे फिंगर को जैसे मैं रखी हूँ इस तरह से आपको रखना है और होल्ड करना है। ये सिर्फ ऐसा लग रहा होगा आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे आपको ना हल्का पेन होने लगेगा यहाँ पर। तो समझो कि आपके जो मसल हैं वो काम कर रहे हैं, और आपका जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इस तरह से आपको अपने फिंगर को होल्ड करके रख लेना है कुछ देर के लिए। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इस तरह से, देखिए गालों पे अच्छा खासा हवा भर के उसे हमें होल्ड करना है। उसके बाद हम टैपिंग करेंगे। ऐसे करने से हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से एक्टिव होते हैं, प्लस हमारा जो ब्लड का संचार है वो भी बहुत अच्छे से होने लगता है।
तो ये टाइपिंग तो आप डेली कीजिए, मॉर्निंग जैसे उठते हैं ना, सुबह उठ के बिस्तर में ही ना आप एक दो मिनट ना ऐसे टाइपिंग कर लीजिएगा अपने पूरे फेस पे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखिए, एक साइड हमने गालों पे हवा भर लेना है और एक साइड से दूसरे साइड हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो गाल है ना उस पर ना अच्छा खासा प्रेशर महसूस होता है। हमारे गाल के जितने भी फैट होते हैं, जो एकदम फुले फुले से रहते हैं ना, वो अपने शेप में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपको जो माउथ है, जो लीप है, उसको बिल्कुल एक जगह इकट्ठा कर लेना और अप डाउन करेंगे। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारे जितने भी लिप के अराउंड जितने भी फैट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर रिंकल्स है तो वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे अप डाउन करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारे लिप के आसपास के जितने भी स्किन है ना, वो टाइट होना शुरू हो जाता है और आपकी टुड्डी पे भी ये अच्छा खासा प्रेशर देगा। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो देखिए, इस तरह से करेंगे, आपको जैसे वीडियो में देखने से करके आपको अपनी जो लिप है उसको एक जगह इकट्ठा करना और नीचे की तरफ डाउन करना, तो सारे हमारे चिपके जितने भी मसल्स हैं वो अच्छे से अच्छा खासा खिंचाव उस पर आएगा। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे से खिंचाव महसूस होता है आपको और आपको पता भी चलेगा, पेन होने भी लगेगा। बॉडी का तो एक्सरसाइज करते हैं पर हम फेस का नहीं करते, तो ये आप ज़रूर करें और कुछ ही दिनों में आप रिज़ल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। अब आ जाते हैं हम लास्ट, हमारा हेड मसाज। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे फेस के लिए। अगर हम अपनी हेड की मसाज करते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट आपको अपने फेस पे देखने को मिलेगा। अगर हम जब हेड की मसाज करते हैं तो हमारी जो स्किन है ना, आप देखेंगे जब हम हेड मसाज करते हैं ना, तो हमारी फेस की भी जो स्किन है ना वो मूवमेंट करने लगती है। तो हेड मसाज भी आपको डेली करना है, जब भी आप फ्री रहते हैं या जैसे भी है, मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको टाइम मिलता है, या भी कभी होता है ना कि आप बाल ही बना रहे, तो उस टाइम पर दो मिनट आप अपने फिंगर की मदद से इस तरह से हेड मसाज कीजिए। आप देखेंगे ना अच्छा खासा आपको आपके पूरे फेस पे और जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आपकी जो जड़ें हैं बालों की वो भी मजबूत हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा सा अच्छा महसूस होगा, एकदम हल्का हल्का सा महसूस होगा। तो ये जो एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों के सामने शेयर की हूँ, तो आप प्लीज़ बताएं कि कमेंट करके मुझे बताएं एक्सरसाइज आपको कैसा लगा हो, और इसे ज़रूर करें, कुछ दिनों तक करें और रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो जो ये हेड मसाज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप जब ऑयलिंग करते हैं ना उस टाइम पे, तो डेली मतलब जब भी ऑयलिंग करते हैं, हफ्ते में तो एक दो बार हम ऑयलिंग करते ही हैं, तो आप ना ज़रूर इस मसाज को कीजिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।